तो जैसे ही जाइजबेल का सीजन 3 सब लोगों का देख के खत्म होगा, तो हर किसी के मन में ये चीज आई कि जाइजबेल की कहानी और भी लंबी जा सकती थी, लाइक नारुतो, पोकेमोन और ड्रैगन बॉल जैसे एनिमे की तरह जाइजबेल की भी फ्रेंचाइजी काफी ज्यादा लंबी हो सकती थी, बट उसे नहीं किया गया और कई लोग बुरा मान के अपने दिल पे हाथ रख के दूसरे एनिमीज में मूव ऑन हो गए। लेकिन एक दिन मकोटो राय को, जो जाइजबेल के ओरिजिनल क्रिएटर थे, उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल के ऊपर इस चीज की अनाउंसमेंट कर दी कि जाइजबेल का सीक्वल बनेगा, वो भी 15 साल के बाद। और ये चीज सुनने के बाद ही मेरा तो कान बजने लगा और मुझे लगने लगा कि ये सपना है, क्योंकि 15 साल गाइस 15 साल कम नहीं है। टाइटन जंप और डायनासोर किंग जैसे एनिमेस के बाद हम अभी भी सोचते हैं बट अभी तक नहीं आया। बट जाइजबेल, जिसके ऊपर से मैंने पूरी उम्मीद ही छोड़ दी थी कि अब इसका कोई नया सीजन आएगा, बट मकोटो रायको का इस बारे में कुछ और ही प्लान था और उन्होंने हमारे कान बजा दिए ये चीज अनाउंस करके कि जाइजबेल का नया सीजन आने वाला है। तो इसीलिए आज हम बात करने जा रहे हैं जाइजबेल के नए सीजन के बारे में, सारे अपडेट्स और कब तक हमें जाइजबेल का नया सीजन देखने को मिलेगा। तो चलो सब कुछ शुरू से शुरू करते हैं। तो जाइजबेल को लिखा गया था मकोटो रायको ने, जो एक जापानीज मांगा राइटर है। उन्होंने जाइजबेल की मांगा को 10 जनवरी 2001 से लेके 26 दिसंबर 2007 तक लिखा। उसके बाद जाइजबेल की मांगा खत्म हो गई, पर लेकिन तो भी जाइजबेल के कुछ फिलर चैप्टर्स जाइजबेल कैफे बोल के जाइजबेल के राइटर हमारे मकोटो रायको जाइजबेल के कुछ चैप्टर्स बीच बीच में पब्लिश किया करते थे, और आप चाहे तो भी उन चैप्टर्स को पढ़ सकते हैं, यूट्यूब के ऊपर आपको इजीली वो देखने को मिल जाएंगे। और जाइजबेल की मांगा को पब्लिश करने का काम सोगा कोकन ने किया था। अगर तुम एक मांगा क्लवर हो तो तुम्हें पता होगा कि एक सोगा कोकन क्या है। अगर तुम्हें नहीं पता तो मैं तुम्हें बताता हूँ कि सोगा कोकन एक पब्लिशिंग हाउस है जो जाइजबेल की और कोई फेमस मांगा के चैप्टर्स को पब्लिश करने का काम करते हैं। और जाइजबेल की मांगा को विज मीडिया द्वारा उसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करके उस वक्त में पब्लिश किया करता था। बट लेकिन अगर तुम एक चीज पता नहीं तो मैं तुम्हें बताता हूँ, जाइजबेल की पूरी मांगा के चैप्टर्स को विज मीडिया ने ट्रांसलेट करके पब्लिश नहीं किया था। शायद से उनके बीच में कोई पैसे का परेशानी आई होंगी, इसलिए उन्होंने जाइजबेल के मांगा के चैप्टर्स को पूरी तरह से ट्रांसलेट करके पब्लिश नहीं किया। और तुम्हें मैं बता दूं कि विज मीडिया वही पब्लिशिंग हाउस है जो ड्रैगन बॉल जी, पोकेमोन, बेब्लेड ऐसे एक्सेट्रा मांगा को ट्रांसलेट करके पब्लिश करने का काम करता था। तो चलो अब बात कर लेते हैं जाइजबेल के एनिमेशन के बारे में। उसे एनिमेट करने का काम टू एनिमेशन ने किया था, और तुम्हें मैं बता दूं कि टू एनिमेशन वही एनिमेशन स्टूडियो है जिसने ड्रैगन बॉल को भी एनिमेट किया था। और उसकी ओरिजिनल एनिमेशन ईयर था 6 अप्रैल 2003 से लेके 26 मार्च 2006 तक। और आपको इस चीज के अंदर समझ में आएगी कि जाइजबेल की मांगा थोड़े ज्यादा वक्त तक चली और इसकी एनिमे को काफी जल्दी खत्म कर दिया गया। अब आपको काफी ज्यादा कन्फ्यूजन हो रही होंगी कि मांगा काफी लंबे टाइम तक चली है और उसकी एनिमे काफी जल्दी खत्म हुआ, इसका कंक्लूजन क्या है। लेकिन इस सवाल का जवाब देने की मैं आपको कोशिश करता हूँ। इसके दो आंसर हो सकते हैं। पहला आंसर ये हो सकता है मकोटो रायको पब्लिशिंग हाउस और टू एनिमेशन के अंदर कोई परेशानी आई होगी, इससे जाइजबेल के पूरे सीजन को, पूरी मांगा सीरीज को एनिमेट नहीं किया गया। या दूसरा हो सकता है मकोटो रायको ने अपने बिजनेसमैन वाला दिमाग लगाया होगा, जिससे उन्हें ये समझ में आया होगा कि अगर मैं एनिमे को जल्दी बंद कर दूं और एक सस्पेंस वाले पॉइंट के ऊपर एनिमे को खत्म कर दूं, तो जो जाइजबेल के डाई हार्ड फैन बन चुके अब तक, वो जाइजबेल की एंडिंग देखने के लिए मांगा भी पढ़ेंगे, जिससे मांगा की सेल काफी बढ़ेगी और मकोटो रायको को पैसा ही पैसा मिलेगा। तो मुझे ये लगता है इन दोनों में से पहला वाला ज्यादा सही होने के चांसेस मुझे लग रहे हैं। इस बारे में आप क्या कह रहे हैं मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। इसके बाद जब जाइजबेल की मांगा भी खत्म हो गई और उसकी एनिमे जिस जिस देश के अंदर जाइजबेल को एयर किया जा रहा था उन देशों में भी एयर करके खत्म कर दिया गया, सिवाय इंडिया के। इंडिया के अंदर पूरी तरह जाइजबेल की एनिमे पूरी तरह से डब करके टीवी पे एयर नहीं किया गया, उससे के सिर्फ 118 एपिसोड डब किए गए थे। या ऐसा भी हो सकता है इसके 150 एपिसोड डब किए गए हैं, क्योंकि अपने क्यो के ऑफिशियल हिंदी वॉइस राजेश शुक्ला सर ने एक उनके इंटरव्यू के अंदर ये चीज कही थी कि जाइजबेल के उन्होंने 150 एपिसोड तक डब किया है। तो इसका असल आंसर क्या ये तो हम भी नहीं कह सकते, बट जहां तक मुझे पता है हमें इंटरनेट पर सिर्फ 118 एपिसोड डब करके मिल रहे हिंदी के अंदर। तो आप चाहे तो वो सीरीज पूरी तरह से देख सकते हैं। मैंने इस वीडियो के अंदर पूरा समझाया है कि आप किस तरह जाइजबेल की पूरी एनिमी को देख सकते हैं।
तो अब बात कर लेते हैं जैजबन के सीजन 4 से रिलेटेड। तो बात कुछ इस प्रकार है, मार्च का महीना चल रहा था और मैं अपना मोबाइल खोल के देख रहा हूँ और मैंने ट्विटर खोला और ट्विटर के ऊपर हमें ये देखने को मिलता है जैजबल के राइटर अपने मकोटो रायकू ट्विटर पे ट्वीट करते हैं कि जैजबल का नया सीक्वल उन्होंने अनाउंस कर दिया, जिसके कारण हमें जैजबल के दो मांगा के चैप्टर्स अभी तक हमें देखने को मिले हैं और तीसरा चैप्टर भी 2-3 दिन के अंदर हमें देखने को मिल जाएगा। और जैजबल की मांगा के पहले चैप्टर को उन्होंने टोल फ्री रखा, यानी हम सब उसे पूरी फ्री से पढ़ सकते हैं, ई बुक स्टोर पर से आप जाके उसे फ्री में परचेस कर सकते हैं। और जैजबल के बाकी के चैप्टर्स के लिए हमें पैसे देने पड़ेंगे उसे परचेस करने के लिए। अगर आपके पास पैसा नहीं है तो इस वीडियो के अंदर मैंने डिटेल में समझाया है कि जैजबल के चैप्टर्स किस तरह फ्री में पढ़े। जैजबल के नए सीजन के अनाउंसमेंट कर देने के बाद से हमें काफ़ी सारे अपडेट्स देखने को मिले हैं। हमें जैजबल के मर्चेंडाइज को फिर से किया जाने लगा है, उसके टॉयज मर्चेंडाइज खिलौने सेल किए जा रहे हैं, उसके गेम्स को फिर से सेल किया जा रहा है और ये सारी चीज़ें मकोटो रायकू के सोर्सेस से बता रहा हूँ, ये चीज़ पूरी तरह से सच है। और जैजबल की हाल की रेड बुक को भी सेल किया जा रहा है, तो आप चाहे तो उस बुक को भी बाय कर सकते हैं। और हमें जैजबल के हर मांगा के चैप्टर हमें 15 तारीख के आसपास देखने को मिल रहे हैं, हर महीने के अंदर 15 तारीख के आसपास। और मैंने जैजबल के दोनों चैप्टर्स को एक्सप्लेन करके रखा है, तो आप चाहे तो जैजबल के चैप्टर्स को एक्सप्लेन करके देख सकते हैं इन वीडियोस के अंदर। तो चलो अब बात कर लेते हैं कि जैजबल का नया सीजन हमें कब तक देखने को मिलेगा। अगर हम हिस्ट्री के पन्ने को पलटे तो हमें ये देखने को मिलेगा जैजबल की मांगा और एनिमे के अंदर 2 साल 4 महीने का गैप था। अगर हम इसी तरह इस मांगा सीरीज को भी पकड़े तो शायद से 2 साल 4 महीने के बाद हमें जैजबल का नया सीजन देखने को मिलेगा। बट लेकिन अभी हाल फिलहाल में जो जैजबल की स्थिति चल रही है उसकी मार्केटिंग इतने जोरों शोरों से चल रही है, तो मुझे ये लगता है कि हमें 1 साल के अंदर जैजबल के नए एनिमे सीरीज से रिलेटेड हमें कोई बड़ी अपडेट देखने को मिल सकती है। और अगर मैं एकदम कंफर्म कहना चाहूँ कि हमें कब तक जैजबल की नई एनिमे सीरीज देखने को मिलेगी, मैं ये कह सकता हूँ 2024 तक हमें डेफिनेटली जैजबल का नया सीजन देखने को मिलेगा। हमें कम से कम 2 साल तो इंतजार करना ही पड़ेगा, वरना हम ये कहेंगे हमको कल ही चाहिए, शाम को पहला एपिसोड चाहिए नए सीजन का, ये पॉसिबल नहीं है। हमें काफ़ी ज़्यादा वेट करना पड़ेगा नए सीजन के लिए। हमने 15 साल वेट किया यार, तो हमें 2 साल के लिए क्यों इतना भाव खा रहे, तो थोड़ा वेट कर लो। और मेरे एक सब्सक्राइबर ने मुझसे ये पूछा था जैजबल के नए सीजन की एनिमे हमें इंडिया के अंदर देखने को मिलेगी। अगर मुझे कहना पड़े तो मुझे नहीं लगता कि जैजबल की एनिमे सीरीज हमें टीवी के ऊपर देखने को मिलेगी, क्योंकि उसके राइट्स काफ़ी महंगे होने वाले हैं। तो इसलिए मुझे नहीं लगता कि सोनिक चैनल अपने किसी टीवी के ऊपर वो दिखा सकता है। अगर दिखाने की बात भी कही तो उसके ऊपर आर रेटेड कंटेंट है, 18+ कंटेंट है। तो अगर वो किसी इंडिया के किसी चैनल के अंदर भी आया, लाइक कार्टून नेटवर्क, पोगो वगैरह वगैरह, उसके अंदर में खून खराबे वाले सीन्स, तो उसे कट कर दिया जाएगा, फिर हमें वो एनिमे सीरीज देखने में कतई मजा नहीं आने वाला है। इसलिए तो मुझे तो ये नहीं लगता है कि वो किसी टीवी चैनल के ऊपर एयर किया जाएगा। बट लेकिन जैजबल की नई सीरीज हमें नेटफ्लिक्स पर देखने को मिल सकती है। मैं गेस करने की कोशिश कर रहा हूँ, अगर मकोटो रायकू ने ये चाहा कि उसे डिजिटली उस एनिमे को हर तरह रिलीज किया जाएगा, तो मुझे लगता है कि वो हमें काफ़ी हद तक नेटफ्लिक्स के ऊपर देखने को मिलेगा लीगली इंडिया के अंदर। बट अगर वो नेटफ्लिक्स पे भी नहीं आया और इंडियन टीवी चैनल्स पे भी नहीं आया, तो टेंशन मत लो, तुम्हारा भाई जुवेल जुगाड़ करके रख लेगा कि जैजबल की एनिमे सीरीज को हमें किस तरह इंडिया के अंदर देखे। इसलिए अभी के अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि आपको पता चलता रहेगा जब भी मैं इस चीज़ के ऊपर वीडियो बनाऊंगा, आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी। और एक और मेरे सब्सक्राइबर का ये सवाल था कि उसे मांगा पढ़ने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो क्या उसे जैजबल की मांगा पढ़नी चाहिए या उसका एक्सप्लेनेशन देखना चाहिए। तो मैं उसे कहना चाहूँगा, अगर तुम्हें देखना है तो उसे पहला चैप्टर पढ़ो या उसकी एक्सप्लेनेशन देखो, उसकी आगे की चैप्टर्स को मत पढ़ो। क्योंकि जब भी जैजबल की एनिमे आएंगी और आप जैसे व्यूवर्स को जिन्हें अगर मांगा पढ़ ली तो एनिमे को कतई ही नहीं देखेंगे, मैं पूरी तरह से कह सकता हूँ। इसलिए मैं आपको ये रिकमेंड करना चाहूँगा, अगर आप ये चीज़ को हजम कर सकते हैं कि जो चीज़ आपको पहले से पता है कहानी के अंदर क्या होने वाला है, वरना जैजबल की मांगाओं के चैप्टर्स को पढ़ना नहीं चाहिए और ना ही उसकी एक्सप्लेनेशन देखनी चाहिए। इसलिए मैं आपको रिकमेंड करना चाहूँगा, जैजबल के मांगा को चैप्टर्स को मत पढ़ो, इसमें आप ही का भला है। तो चलो अब आगे बढ़ते हैं हमेशा की हमारी Q&A की सीरीज की तरफ। तो मैंने मेरे लास्ट वीडियो के अंदर पूछा था कि ये वॉइस किसकी है, तो इसका सबसे पहला राइट आंसर दिया है BNF TV Shorts ने, और मुझे नहीं लगता है कि ये सही में का बादल यादव होगा।
और इन सभी लोगों ने भी एकदम राइट आंसर दिया था इस सवाल का। तो चलो हमारा आज का सवाल ये है, मैं जो वॉइस प्ले करूंगा आपको गेस करना है ये किस डोरेमोन की मूवी का थीम सॉन्ग था, और ये गाना मेरा पर्सनली काफी ज्यादा फेवरेट है। और जो भी हमेशा की हमारी सीरीज के हिसाब से सबसे पहले राइट आंसर दूंगा या जो भी आंसर दूंगा उसे मैं अपने अगले वीडियो के अंदर शॉर्ट आउट दूंगा। तो भाई लोग आज के लिए बस इतना ही। मैं जाते जाते आपको ये चीज कहना चाहता हूँ कि ये सपना नहीं है, ये सच में हो रहा है कि जायजवेल का नया सीजन जरूर आएगा, उसकी मांगा लिखी जा रही है, एनीमे भी हमें जल्दी ही देखने को मिलेगी। तो भाई लोग अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करो, चैनल पे नहीं हो तो डू सब्सक्राइब, और सब्सक्राइब तभी करना अगर आपको हमारे चैनल के कंटेंट और हमारा ये वाला वीडियो पसंद आया होगा तभी। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। मैं आपसे मिलूंगा इसी चैनल के ऊपर, तब तक के लिए बाय बाय।